तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसी ब्लॉग्स। सो आज हम आए हैं मनसा देवी। तो जो हमारा 2-3 दिन का टूर था, तो उसी में हमने चंडी देवी का वीडियो भी इसी में डाला था। तो चंडी देवी जब हम गए थे, वो सेम डे का हमारा वीडियो है, तो थोड़ा अपलोड करने में लेट हो गया फ्रेंड्स। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूटी में। तो यहाँ पे क्या है, रेंट में स्कूटी मिल जाती है, अदरवाइज़ अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट बहुत चढ़ाई है और पैदल जाकर आना, मतलब एक दिन में इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी फैसिलिटी है बट थोड़ा रिस्की भी है, पहाड़ का रास्ता ही है, मतलब हिल स्टेशन टाइप है। तो हमने स्कूटी लिया है रेंट पे, कित 100 पर पर्सन। तो हमने स्कूटी ले ली है क्योंकि वो लोग चला कर लेकर जाते हैं, बट अभी मिस्टर चला रहे हैं और मैं और मम्मी जी बैठे हैं। देखिए मनसा देवी का जो रोड है ना, वो ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है, मतलब थोड़ी पतली सी रोड है और चढ़ाई बहुत है। और स्कूटी में एक्चुअली क्या है ना, मतलब बाइक चलाते ये तो उतना हैबिट नहीं रहता है, और इतना वीडियो शेक हो रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हो कि मैं मोबाइल भी ठीक से नहीं पकड़, क्योंकि एक तो चढ़ाई की रोड है, ऊपर से ख़राब भी है रास्ता। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, तो हमने गाड़ी कर दी यहाँ पर पार्क। अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो मंदिर के साइड से कुछ दुकानें वगैरह भी है, प्रसाद वगैरह लेना है अभी हमें। और भी पूजा का सामान है, और भी सब कुछ मिलता है, मतलब यहाँ पे घर के लिए कुछ लेकर जाना चाह रहे हो या पूजा के लिए कुछ सामान लेना चाह रहे हो तो वो भी आराम से मिल जाता है यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत यूनिक चीज़ें, जैसे मैंने दिखाया था चंडी देवी में, तो सेम मतलब यूनिक चीज़ें भी यहाँ पे भी है। लाइन से देखिए कितनी सारी दुकान है। अभी यहाँ से देखिए ट्रॉली का रास्ता, आप ट्रॉली में भी आ सकते हो, बट वहाँ पे आई थिंक 200 से ज़्यादा लेते हैं पर पर्सन का, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो हमने स्कूटी ले लिया था। ट्रॉली से हम लोग चंडी देवी गए थे, थोड़ा सा न्यू एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो ये अब ये हम आ चुके हैं मनसा देवी की मंदिर के द्वार पे, तो अभी हम जाएंगे अंदर। चलिए फ्रेंड्स, तो सब लोग को दर्शन कराते हैं चंडी मनसा देवी का। ये देखिए यहाँ पे भी सेम, मतलब जहाँ पे भी जिधर भी नज़र जाए, मन्नत का सब लोगों ने चुन्नी बांध रखी है। एक्चुअली वीडियो बहुत शेक हो रहा है आज, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। ये सब लोग प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे, तो जो मेन मंदिर है वो है आगे। ये देखिए कितने सारे चुन्नियाँ बंधी हुई है, अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप चल के जाओगे तो आपके साइड में एकदम पूरी भरी हुई है। तो यहाँ वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो पंडित जी से कुछ टिप्स लेते हुए, ये है मनसा देवी का मुख्य मंदिर, यहीं पे पूजा होता है, यहीं पे मैया का मूर्ति है। तो हम जा रहे हैं बाहर। बाहर जाते हुए भी फ्रेंड्स बहुत सारे देवी देवताओं का मूर्ति वगैरह है, मंदिर वगैरह है। तो यहाँ से हम लगाएंगे टीका। सब लोग टीका लगाने के बाद अभी हम जाएंगे बाहर। तो बाहर जाने से पहले यहाँ पे एक पंडित जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ मन्नत का धागा वागा देते हैं, तो हस्बैंड जी अभी लेंगे धागा, तो वहीं पे बात कर रहे हैं। तो अभी हम निकल आए हैं दोबारा, जो एग्ज़िट एंट्री वाला रोड है वहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें वगैरह है। तो हम निकल चुके हैं बाहर, अभी जा रहे हैं हम बाहर की ओर।
देख रहे हैं कि कुछ ले सकते हैं क्या घर के लिए। तो फ्रेंड अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा ऋषिकेश का आने वाला है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आने वाले न्यू ब्लॉग, कुछ न्यू स्टाइल से, न्यू तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छे बनाने की। अभी मम्मी जी कुछ खरीद रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे चीज़ें पसंद आती है लेकिन थोड़ी महंगी भी होती है, तो थोड़ा देख के लेना पड़ता है मतलब। तो हमने थोड़ा सा सामान ले लिया है यहाँ पे घर के लिए, घर पे सब लोगों के लिए। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारे ऋषिकेश के लिए। तो चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा आने वाला वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।